नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी कर दिया है। इसके तहत अब यूजर्स को अपना अकाउंट जारी रखने के लिए नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट डिलीट भी हो सकता है। नोटिफिकेशन में लेटेस्ट टर्म एंड कंडीशंस दी गई है, जिन्हें नहीं मानने पर यूजर्स का अकाउंट डिलीट हो सकता है। एंड्रॉइड और iOS यूजर्स पर इसका सीधा असर होने जा रहा है। व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी से सहमत होने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। भारतीय यूजर्स को व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी के लिए नोटिफिकेशन भी मिल रहे हैं। नई पॉलिसी के जरिए आपके व्हाट्सएप डेटा पर कंपनी की पूरी नजर रहेगी। ऐसे में अब सवाल यह है कि इस नई पॉलिसी में ऐसा क्या है जो हमारी प्राइवेसी के लिए खतरनाक है। अपनी नई पॉलिसी में कंपनी ने ऐसी कौन सी नई शर्तें जोड़ दी है जो इन दिनों चर्चा की विषय बनी हुई है। दरअसल नई पॉलिसी में फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज्यादा रखा गया है। कंपनी यूजर्स को जो पॉप ऐप भेज रही है उसमें जानकारी दी जा रही है कि नई सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आपके व्हाट्सएप डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर किया जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि चैट्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप जिसे भी मैसेज भेजेंगे वह आपके और उसी के बीच में रहेगा। नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप ने थर्ड पार्टी ऐप को लेकर अहम बदलाव किया है। व्हाट्सएप यूजर्स अगर व्हाट्सएप के जरिए थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो उनके डेटा को फेसबुक के साथ साझा किया जाएगा। इसके अलावा फेसबुक के साथ इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स के साथ भी यह जानकारी साझा की जाएगी। व्हाट्सएप के फैसले से यूजर्स काफी ज्यादा परेशान है। कई यूजर्स तो इसको लेकर कंपनी से नाराज भी चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह तो वही बात हुई कि पहले आपको किसी चीज की लत लगाई जाती है, फिर जब आप उस चीज के आदी हो जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपसे उस चीज के बदले मुनाफा बनाने लग जाते हैं। व्हाट्सएप भी शायद अपने यूजर्स के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। दरअसल व्हाट्सएप अब लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लोग अपने दिन प्रतिदिन के कई कामों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि व्हाट्सएप ने लोगों का काम आसान भी कर दिया है, लेकिन उसकी नई पॉलिसी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोग यही सोच रहे हैं कि क्या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना पहले जैसा सुरक्षित रहेगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी जारी होने के बाद अब इसको इस्तेमाल करने वाले लोग असमंजस की स्थिति में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना जारी रखना है तो व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी को स्वीकार करना होगा। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो आप 8 फरवरी 2021 के बाद से अपने फोन में व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि व्हाट्सएप के इस बदलाव के बाद लोगों की प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है। हालांकि व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि दो लोगों के बीच की चैट्स की प्राइवेसी प्रभावित नहीं होगी और यह सिर्फ उन्हीं दो लोगों तक सीमित रहेगी जिनके बीच बातचीत हुई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।